देखिए, झारखंड के साहेबगंज में जो घटना हुई है आदिवासी महिला के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है और धर्मांतरण का मामला है। वोट बैंक की राजनीति का मतलब ये है, सोरेन खानदान की राजनीति संताल परगना से खड़ी होती है और संताल परगना में उसकी विवशता है मुसलमान वोट बैंक और ईसाई मिशनरी का वोट बैंक। तो ईसाई मिशनरी और मुसलमान आदिवासी का कत्ल करे, सरना धर्म के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करे, तो सोरेन खानदान का जो सरकार है ये कुछ नहीं बोलेगी। दूसरा है धर्मांतरण का भी, पूरा संताल परगना बांग्लादेश बन रहा है, मुसलमान लोग आ रहे हैं आदिवासी संताल महिलाओं के शादी कर रहे हैं। तो दोनों मुद्दों पर अभी जो सोरेन मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली बम्बई कलकत्ता में ऐसा नहीं होता है क्या, अरे कहाँ क्या होता है, उसे क्या लेना देना, संताल परगना में क्या हो रहा है। और ये सोरेन खानदान ने इस संताल परगना के इतिहास को, संताल विद्रोह के इतिहास को कभी गौरवान्वित होकर प्रशंसा नहीं किया, उसका दिन नहीं माना, कभी संताली भाषा के लिए गौरव का विषय नहीं बनाया, झारखंड में इसको राजभाषा बनाने के लिए एक शब्द नहीं कहा, उसको उर्दू भाषा चाहिए। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि सोरेन खानदान के पतन के बगैर संताल परगना और झारखंड का उत्थान असंभव है, और आज ये हमारा विशेष फोकस का बिंदु है, यही संताल विद्रोह आदिवासी विद्रोह का हमारा सब्जेक्ट है। तो भाई देखिए, सब काम हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लोगों को जगा के जोड़ देंगे तो सारी चीज़ों का मुकाबला कर लेगा। अंग्रेज से हम मुकाबला कर सके तो ये कौन सा बड़का मुद्दा है। हम चर्च के खिलाफ भी आज बोलने वाले हैं कि हमारे आदिवासियों को ईसाई बना के ये लोग उनको जड़ से काट दिया, विदेशी बना दिया, भाषा संस्कृति से दूर कर दिया। ईसाई बने लोग आँख मूंद कर कांग्रेस को वोट देते हैं, उनको यदि आप सवाल कीजिएगा आदिवासियत की आप रक्षा करेंगे या ईसाइयत की, तो ईसाइयत का पहलू लेगा वो, आदिवासियत का नहीं। इसलिए कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं वो राजनीतिक रूप से गुलाम हो गए हैं, और किसको वोट देना चाहिए क्यों देना चाहिए नहीं विचार करते हैं। ऊपर से कार्डिनल आर्च बिशप बिशप पारिस प्रिंस उनको आदेश देता है कि बीजेपी से बचना है भाई, हाथ छाप में वोट देना है। हम तो बहुत बार नारा दे चुके, ईसाई आदिवासी सरना आदिवासी मिल के एक विकल्प बनाइए, लेकिन चर्च मानने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, इसलिए हैं कि आदिवासी को बचाना है, इससे सोरेन खानदान से एक राजनीतिक फाइट है। हम आदिवासी संगल अभियान सामाजिक संगठन हैं, लेकिन हम लोहा को लोहा काटे की तर्ज पर यदि जेएमएम के खिलाफ खड़े हैं तो हमको भी राजनीतिक ताकत और समर्थन की ज़रूरत है। तो ये सारी रणनीतियों के साथ हम ये काम कर रहे हैं, हमको बहुत उम्मीद है, देखिएगा एक दो महीने में झारखंड में तस्वीर बदलेगी, आदिवासी समाज में एक नई चिंतन, नई जागरण और नई एकता का प्रतिस्फुटन होगा और कोई बड़ी बात होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।